प्लीज हमारे YouTube चैनल दुर्गा फैशन को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। हे गाइस, दुर्गा फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सलवार की कटिंग बताएंगे। तो ये हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो हमारे सलवार की लंबाई है 36 इंच, तो उसमें से हम 5 इंच बेल्ट माइनस कर देंगे, तो 31 इंच की हम कलियां काटेंगे। तो सबसे पहले कलियां काटने के लिए हम इस कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है, तो हम इसकी लंबाई रखेंगे 31 और 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तो 32 इंच लंबाई रख देंगे। तो यहाँ हम 32 इंच का निशान लगा लेंगे और मोरी की चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ इंच हो गया है 6 इंच, तो हम 6 इंच रख देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम कटिंग करेंगे। अब हम कुंदे काटेंगे। अब कलियों की कटाई करने के लिए सबसे पहले हम 32 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमारी सलवार की लंबाई थी 32, तो हम 32 पे निशान लगाएंगे और 10 इंच का आसन का निशान लगाएंगे। तो हमारी टोटल लंबाई हो चुकी है 42 इंच और इसी प्रकार हमने यहाँ से निशान लगाए हैं, इसी प्रकार हम यहाँ से लगाएंगे। तो हम यहाँ से भी 10 इंच का निशान लगाएंगे, तिरछा निशान लगाना है हमें, और यहाँ से हम 32 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमें 32 निशान लगाना है और 1 इंच का हमें यहाँ मार्जिन के लिए, यहाँ तिरछा कटिंग करने के लिए 1 इंच का लगाएंगे और 1 इंच का यहाँ से लगाएंगे। अब हम इसको टैप को इस प्रकार रखकर तिरछा निशान लगा देना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने तिरछा निशान लगाया था उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार हम कटिंग करेंगे। ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। तो हम 7 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे, तो निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे। इस प्रकार हमें निशान लगाना है। तो गाइस, ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।